आपके साथ हम हैं ललित प्रजापति और आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करेंगे। भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में पिछले 65 साल में कमी आई है। साल 1950 से 2015 तक में देश में हिंदुओं की आबादी करीब, बहुत ध्यान से सुनिए, 7.82% घटी है। वहीं इस दौरान मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। 1950 में देश में हिंदुओं की आबादी थी 84.68%, जो 2015 में घटकर 78.06% हो गई। वहीं 1950 में देश की मुस्लिम आबादी का हिस्सा था 9.84%, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अमित मालवीय ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी है। और आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने कहा नीति बनाने की जरूरत। कांग्रेस ने कहा कि यह चुनाव के समय ही क्यों याद आता है बीजेपी को। रिपोर्ट जारी हुई है और मैं सोचता हूं कि यह चिंता का विषय है। बहुसंख्यक समुदाय क्यों घट रहा है ये हम सबको समझना भी पड़ेगा और इसके निराकरण भी करने पड़ेंगे। डेमोग्राफी चेंज होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2-3 पीढ़ी पर्याप्त होती है। तो डेमोग्राफी बड़ा चेंज हो गया तो भारत संभलेगा कैसे? ऐसा है, भारतीय चुनाव के समय क्यों याद आता है? भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट फेज का चुनाव चला गया, सेकंड 10 साल से बड़ा मौका आपको मिला था, इसको पब्लिकली इसको रिलीज करना था। 10 साल में तो आपने किया नहीं, कुछ बताया नहीं, लेकिन अब क्योंकि चुनाव है, ये चुनाव में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, धार्मिक भावनाओं को कुदेर कर चुनाव जीतना चाहते हैं। और डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने सैम पित्रोदा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पर नफरत का सामान बिक रहा है। जो जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाते हैं वो कांग्रेस में शरण पाते हैं। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में हर जगह नफरत का सामान बिक रहा है। एक्चुअली ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये नफरत का सामान वो लोग बेच रहे हैं। दक्षिण भारत में भी को भी अलग देश बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने कहा उसको कांग्रेस ने टिकट दे रखा है लोकसभा का। जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं वो लोग भी जाकर के कांग्रेस में शरण पाते हैं। हेमंत करकरे जैसे शहीद, उनके बारे में भी ये सैम पित्रोदा ने कहा कि वो उनकी गोली से नहीं मरा, कसाब की गोली से नहीं मरा था। ये इन्होंने कहा, याद करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि एक व्यक्ति ने जीवन में क्या क्या कहा। इधर छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम पीएम श्री स्कूल करने पर सियासत तेज हो गई है। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि छत्तीसगढ़ के साधु संतों का बीजेपी अपमान कर रही है, कोई नाम रखना है तो बीजेपी नई योजना शुरू कर ले। सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ के साधु संतों का भी अपमान कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद जी के योगदान है, उसको नकारने की कोशिश, मतलब छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को भुला देना चाहते हैं। यदि आपको कोई कार्यक्रम चलाना है तो नया कार्यक्रम चलाइए और किसी का नाम रख लीजिए, है ना, उसमें कोई बात नहीं। अब इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है ना,